शहर के 150 वर्ष पुराने राज हाई स्कूल की तस्वीर बदलने ही वाली है। जर्जर हो चुके पुराने भवन की मरम्मत भी होगी, उसका रंग रोगन भी होगा। खतरों से मुक्त वायरिंग व्यवस्था होगी, भवन चकाचक हो जाएगा। बुधवार को स्कूल की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने स्कूल की जर्जर स्थिति पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थापना 1878 में की गई थी। स्वाभाविक है कि भवन पुराने हैं, दीवारों में सीलन पकड़ चुका है, छत से पानी टपकता होगा, लेकिन इसकी ऐसी जर्जर स्थिति को सुधारा भी तो जा सकता था, इसकी मरम्मत भी तो कराई जा सकती थी। शिक्षा के इस प्राचीनतम मंदिर में शहर ही नहीं संपूर्ण मिथिला के बच्चे पढ़ने आते थे। आज जब इस स्कूल के पुराने छात्र इसकी जर्जर स्थिति देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इतनी शानदार इमारत, इतना बड़ा परिसर, इसके बावजूद इसकी ऐसी हालत, स्वाभाविक है कि किसी को देखी नहीं जाएगी। उन्होंने बैठक में प्राचार्य मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाकर 10 दिनों के अंदर विद्यालय के कायाकल्प का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। छात्र आएंगे, तो छात्र पढ़े कभी हम और आप, चाहे वह जीवी हो या शिक्षक, इन सभी का काम है और ये सभी का उद्देश्य यही है कि छात्र एवं छात्राओं को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले। और उन्हीं के लिए जो भी शिक्षक है या हम लोग है या पूरा शिक्षा विभाग, केवल छात्रों के लिए ही है। उनका उद्देश्य छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी के लिए हम सभी और जो भी कार्यालय के जो पदाधिकारी या कर्मचारी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकार द्वारा जो दे सुविधा जो आपको सीधे डीबीटी के माध्यम से जाता है, राशि हो या पोशाक की राशि हो या छात्र, उनको जल्द से जल्द मिले। आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आधार कार्ड में त्रुटि है, तो कंप्यूटर में गड़बड़ी है, ये शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए उनको राशि में। और यह जो कार्यालय में जो कर्मी है उन्हीं की जवाबदेही है कि जो सरकार द्वारा दे जो सुविधा है वो उनको सीधे खाते में चला जाए। अगर कुछ उनके खातों में समस्या है, कुछ आधार कार्ड में समस्या है, कोई लिंक का समस्या है, तो उसकी समस्या दूर करना भी जो हमारे विभाग, जो हमारे कार्यालय के कर्मी हैं उन्हीं का है। इसलिए इसको भी जरा देखिए और जो विद्यालय में समस्या है उसको हम जरूर देखेंगे। पूर्व में भी मैं कह नहीं रहा हूँ छात्र, मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। जब मोहम्मद बाबू यहाँ प्रिंसिपल थे तो उस समय और जगन्नाथ बाबू जब यहाँ टीचर थे, मंगल बाबू शायद उसमें लिखा है, तो उस समय मैं यहाँ का कुछ काल के छात्र होने के नाते इस विद्यालय के प्रति मेरा निकल सकती है उसका भी निविदा फाइनल होगी और वहाँ भी काम होगा। मारवाड़ी चौधरी में भी 8 कमरे का भवन हम लोगों ने दिया है। जब मैं प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना उसके बाद वहाँ भी टेंडर हो गया और वहाँ भी 8 कमरे का भवन बनेगा। तो शहर का जो भी विद्यालय है सब विकास से अछूता नहीं है, आपका भी विद्यालय विकास से अछूता नहीं रहेगा। राशि के उपलब्धता के आधार पर हम प्रयास करेंगे आपके विद्यालय में भी ज़्यादा से ज़्यादा राशि उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिले और उसका काम उसका सदुपयोग धरातल पर हो, यह हम लोग का प्रयास रहेगा। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज प्रथम बैठक में आप लोगों ने अभिनंदन भी किया, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात। मेघना डायग्नोस्टिक्स, अब आपके अपने शहर दरभंगा में सिर्फ 3 घंटे में जांच रिपोर्ट प्राप्त करें। मेघना डायग्नोस्टिक्स, जहां पर 2000 से ज्यादा पैथोलॉजी टेस्ट और 200 से ज्यादा हिस्टोपैथोलॉजी जांच की सुविधा, हाई एंड इक्विपमेंट्स के साथ फुली ऑटोमेटेड एंड इंटीग्रेटेड लेब, घर से सैंपल कलेक्शन मात्र 1 रुपए में, ऑनलाइन रिपोर्ट सुविधा, ईसीजी टेस्ट की सुविधा,
डिजिटल एक्सरे, रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट की सुविधा। तो आज ही आए मैग्ना डायग्नोस्टिक्स पर।